तेरे को चलाना आ गया भाई मुशल हरियाणवी में मुशल ये देखो भाई ये करामात इनकी सारा गिरा दिया नीचे ये देखो भाई इसको बेचारे को पता नहीं था इसको क्या बोलते हैं ये मुशल चला रहा है अब यहाँ पे देखो कैसे कूट रहा है इसको बेचारे को चलाना नहीं आता देखो मैं चला के दिखाता हूँ कैसे चलाता ऐसा बोलते है भाई वो मूल से ब्याज ज्यादा पसंद होता है अब देखा अब मैं कूट दूं ब्याज पे ज्यादा दादी को पोता पोते की मेर होगी अपने बेटे की मेर नहीं है कितना था मेर 5 किलो 10 किलो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब जय माता दी आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आज जैसे हम सुबह तो सारे अपना दादा थान और सारे जो भी हमें होली पूजन था होलिका दहन है आज सब जगह पूजा अच्छी तरह से हो गई थी आई होप आप लोगों की भी बहुत अच्छे से हुई होगी ज़रूर बताना और आज अब हो गया है शाम का टाइम और देखिए आपको दिख भी रहा होगा ये देखिए आज बनाएंगे मटर पनीर और साथ में हलवे का प्लान चल रहा है हलवा बनाएंगे क्योंकि खीर हमने कल बनाई थी और आपको दिखाई भी थी और मटर पनीर भी मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ आज मैं रेसिपी नहीं दिखाऊंगी आप भी बोर हो गए रेसिपी से आज हम मटर पनीर बनाएंगे और हलवा बनाएंगे ये देखिए मैंने ले ली है मटर अब मैंने उबालूंगी देखो फ्रीजर से निकाली देखिए आप एक भी दाना ख़राब नहीं है ये देखिए ऐसी पन्नी जिपलॉक पन्नी आती है ना इसमें आप छील के अपनी मटर स्टोर कर सकते हैं मैंने आपको बताया था और ये देखिए घर का ही पनीर है आज ही निकाला था बिल्कुल ताज़ा देखिए तो करते हैं स्टार्ट और आप भी बने रहिए और एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये देखिए कल की तैयारी अभी साथ साथ शुरू हो गई है आज ही ये इमली ले लिए देखिए बिल्कुल फ्रेश इमली है चटनी बनाऊंगी मैं इमली की और ये पानी मैंने गर्म रख दिया है इन्हें रख दे डाल देती हूँ इसमें कल लेट हो जाएगा इसलिए मैंने आज ही चटनी रेडी करूँगी इसे भिगो देती हूँ फिर इसका गुद्दा अलग करके फिर चटनी बनाएंगे मीठी चटनी तो अब आप सब देख रहे होंगे दोनों गैस मेरी ऑन है एक गैस पे मैंने हलवा बना रही हूँ और एक गैस पे मैं साथ के साथ मटर पनीर भी बना रही हूँ
दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं, जल्दी भी हो जाएगा और पूजन के लिए भोग भी लगाना है। आज क्योंकि होलिका दहन है तो शाम को समय से ही गांव में खाना बन जाता है ताकि भोग समय से लग जाए। तो जल्दी जल्दी एक मैं काम कर रही हूँ। अब देखिए मैं मटर पनीर, मेरा मसाला रेडी हो गया था, मैं मटर और पनीर को डाल लूँगी। अब मसाला भूनने के बाद बस थोड़ी ही देर बाकी है। अब देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें मटर पनीर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे, आप पहली बार हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस का लिंक आपके फोन पर पहुंच जाए। अब देखिए जल्दी जल्दी काम होने लग रहा है। बस मैंने फ़ोन को साइड में ही रखा था क्योंकि मेरा ट्राईपॉड जो था वो पहले वाला वो टूट गया था, बाय मिस्टेक वो टूट चुका है, तो मुझे फ़ोन को एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो मैंने यहीं सामने ही रख दिया था। और सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम चटनी भी बनाएंगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा खाना वाना फिनिश करने के बाद। और चटनी बनाने में आज मेरे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आप खुद देखना कि आखिर गड़बड़ हुई क्यों है और क्यों मुझे दोबारा चटनी बनानी पड़ी। डबल मेहनत हुई, डबल मेहनत करती हूँ, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गई, क्यों हो जाती है ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। इतनी मेहनत से बनाई थी और सारी बनी बनाई चटनी मेरी बर्बाद हो गई, ऐसा क्या हुआ ये मैं आपको आज के ब्लॉग में आगे दिखाऊँगी। बने रहना शक्ति एंड ब्लॉग्स के साथ और इन्जॉय कीजिए। और देखिए मैंने हलवा बना दिया, बताना ज़रूर कमेंट में आपको हलवा और सब्ज़ी कैसी लगी। और मैंने इसमें गोले को कसकर डाल दिया था, काजू डाल दिए थे और हलवा यह बेसन और सूजी का। एक छोटी कटोरी मेरी सूजी की थी और उसमें से दो बड़े चम्मच मैंने बेसन के ऐड किए थे। मैं हर बार ऐसे ही बनाती हूँ और हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप भी ऐसे ही बनाएँ। देखिए क्या ग्रेवी बहुत ही अच्छा एकदम हलवा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। हलवा मेरा रेडी हो गया है और देखिए सब्जी में भी खटका लग चुका है, सब्जी भी बस बनने ही वाली है। और अब देखिए खाना वाना मेरा कंप्लीट हो गया था क्लीन करने के बाद किचन को। मैं सोचा मैंने कि कल फाग का दिन है तो चटनी बनाने में देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रात को ही बना ली जाए। तो देखिए मैंने गुदा अलग कर रही हूँ, हाथ से अच्छे तरह इसको साफ़ करना पड़ता है ताकि गुदा अलग हो जाए। और आटा छानने वाली छलनी होती है ना, उसको अच्छे से वॉश करके मैंने रख लिया था। और ये गुदा अलग करने के बाद उस छलनी में से हम इसको छान लेंगे। उसके बाद देखिए ये आटा छानने वाली छलनी में से मैंने इसका गुदा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाती है हमारी इमली। और इसमें एक बार हल्का सा पानी और डाल के एक बार और मैं इसको जितना गुदा लगा होगा ना वो सारा अलग, देखिए बिल्कुल मैंने दोबारा भी थोड़ा सा आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब मैं अपनी गैस को जला लेती हूँ और इसके बाद हम बनाएंगे आज चटनी। और कल बनाऊँगी मैं हरी चटनी भी, सुबह बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा लाल चटनी को आज ही बना लेते हैं। और देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, चीनी डाली हुई थी तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ताकि ये चीनी भी अच्छे से इसमें घुल जाए, वेस्ट ना हो। और ये देखिए मैंने नमक, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और ये हींग डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी सौंप ली है, थोड़ी सी इलायची पीसी भी डाली थी और ये है धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर भी सेंटर में है बिल्कुल, और हींग भी डाली थी। जो भी आपके पास मसाले अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और मैंने डाल दी है इसमें चीनी और ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। मीठी चटनी जो आप समोसे वाले से लेके आते हो ना वो ऐसे ही बनती है, और ज़रूर एक बार घर में बनाएं, सालों साल इसे स्टोर कर सकते हैं। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि फाग वाला दिन। अब देखिए फाग वाले दिन ये मैं दोबारा से चटनी बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। मेरी डबल मेहनत हुई है, ये देखिए डबल मेहनत हुई है, क्यों बनाई मैंने, ऐसी क्या गड़बड़ कर दी कि मुझे दोबारा चटनी बनानी है, ऐसा क्या हुआ। बस आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसी हुई, और आप वो गलती ना करें इसलिए नेक्स्ट व्लॉग को देखना बिल्कुल ना भूलें। और शक्ति एंड व्लॉग्स को अभी सब्सक्राइब करें और
देखिए चटनी, ये मेरी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये चटनी मैंने दोबारा बनाई है और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। गुड मॉर्निंग। और अब है ये नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि फाग वाला दिन अभी का उठ चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।